लोगों ने कोशिश की है, जरूरत से ज्यादा खाना, नशीली चीजें, शारीरिक सुखों में ज्यादा डूबना, इन सभी चीजों से लोगों ने अपने अंदर किसी तरह की शांति पैदा करने की कोशिश की है। आपको लगा कि आप वहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगले ही पल आप जानते हैं कि आप नहीं पहुंचे। कितनी बार इसने आपको धोखा दिया है ना? लोगों ने ठेका ले रखा है इंसानियत को बुरी तरह उलझा के रखने का। हाँ, शनिवार की शाम आपके पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। आपको लगता है कि यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, सब कुछ कितना अच्छा और खुशनुमा है। अगली सुबह देखिए, इसलिए नहीं कि आपके परिवार के साथ कुछ गड़बड़ है, बस इतना है कि आप एक सीमित चीज से एक असीमित आयाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं काम करने वाला, ये बहुत आसान है। आपका अनुभव चाहे जो भी है, वो हो आपके भीतर ही रहा है। आपको ये बताने के लिए किसी महान योग या धर्म ग्रंथ या गुरु या स्वर्ग से गिरे किसी पत्थर की जरूरत नहीं है। अगर आपके अनुभव की प्रकृति वो चाहे जो भी हो, चाहे वो डर हो, गुस्सा, प्यार, नफरत, परमानंद या दुख हो, सब कुछ आपके भीतर हो रहा है। इंसानों के लिए बहुत स्वाभाविक होगा इस पर गौर करना और ये देखना कि इसे सबसे मधुर अनुभव में कैसे बदला जाए, है ना? क्योंकि किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि खुश रहो। दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृति तय नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हाँ, दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृति तय नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। अगर आप अपने अनुभव की प्रकृति तय कर पाते तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आनंद में रहो, प्यार में रहो, खुश रहो वगैरह। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके अनुभव की प्रकृति कैसे तय की जाए। आपके अंदर जो चीज अनुभव पैदा करती है, अगर उस पर आप काबू कर लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अपने लिए बहुत खुशनुमा बनाएंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप अपने भीतर बहुत खुशनुमा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप आसपास के लोगों के साथ भी खुशनुमा रहेंगे। चाहे आप खुशी का अनुभव करना चाहें, चाहे आप प्यार का अनुभव करना चाहें, चाहे आप परमानंद का अनुभव करना चाहें, चाहे जो भी। इंसानों को मधुरता की जो भी अवस्थाएं पता हैं, वो उनके भीतर से ही पैदा हुई हैं। तो फिर कहीं से कोई परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये खोज के लिए तैयार रहना है कि ये क्या है, और आप इसे सबसे मधुर अवस्था में ले जा सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई खूबी है, प्यार कोई खूबी नहीं है, आनंद कोई खूबी नहीं है, खुशनुमा रहना कोई खूबी नहीं है, बस आपकी चाहत वैसा होने की है ना? ऐसा नहीं है कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, या आप आनंद में हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। बस इतना है कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने खुद को स्वर्ग बना लिया है, वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।